हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। ये आज मैं आपका डिमांड पूरा करने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था क्रीम चीज़ की रेसिपी के लिए, तो बस मैं लेकर आ गई। आइए आज बनाते हैं ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही स्मूथ क्रीम चीज़। ये बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि उनके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं मिल पाता है, तो वे केक के ऊपर लगा नहीं पाते हैं या चीज़ केक बना नहीं पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ये सब अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास दूध तो ज़रूर होगा। तो ये बिल्कुल दूध से ही सिर्फ बना हुआ है। अब आप इससे केक, चीज़ केक, पुडिंग, जो चाहें वो बना सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। फिर चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 1 लीटर के लगभग दूध है, जिसको बॉईल करेंगे और हमें इसका छेना बना लेना है। बॉईल होने देते हैं और ये हमारे पास लगभग 1 कप दही। आप कोई सा भी दही यूज कर सकते हैं। इसको एक्चुअली हंकर्ड बनाना है हमें, तो इसको एक मलमल के कपड़े में इस तरह से डालकर इसको लगभग आप 4 से 5 घंटे एक बिल्कुल टांग के छोड़ दें, बांध करके अच्छी तरह से, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा। तो आइए इसको बांध के टांग देते हैं। इसको इस तरह से मैंने टांग कर छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल आराम से निकल रहा है। दूध हमारा बॉईल हो गया है। इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ ये 2 चम्मच विनेगर। अब विनेगर या नींबू किसी से भी फाड़ सकते हैं। ये देखिए हमारा छेना बिल्कुल रेडी हो गया है। आइए गैस को ऑफ कर देते हैं। और इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं। इस तरह से इसको छान लेंगे। और उसी बर्तन में मैंने फिर से सादा पानी थोड़ा सा ले लिया है, जिसमें इस छेना को हम थोड़ा सा डिप करके धो लेंगे, अगर इसमें एक्सेस खटास हो तो वो निकल जाए थोड़ा सा। इस तरह से थोड़ा सा धो लें और उसके बाद इसको टांग देंगे थोड़ी देर के लिए। छेना हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको बहुत ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको डालेंगे एक मिक्सी के जार में। साथ ही में डालेंगे बिल्कुल 1 पिंच के करीब सॉल्ट। डालेंगे ये हमारा हंकर्ड। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी थिक हो गया है। इसको भी इसी में मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से बहुत स्मूथ होने तक ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये भी बहुत स्मूथ नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा दानेदार दिख रहा है। ये बिल्कुल क्रीमी होना चाहिए। तो आइए इसको थोड़ा सा और हम फेंट लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा ये क्रीम चीज़ बिल्कुल स्मूथ बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये खूब अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो आप जो छेना का पानी है 1-2 चम्मच आप उसको डाल करके फिर से ब्लेंड कर सकते हैं। मुझे ये मीठे के लिए चाहिए, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच पाउडर शुगर। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको भी खूब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी लग रहा है। बिल्कुल रेडी है हमारा बहुत ही क्रीमी, एकदम स्मूथ क्रीम चीज़। इसको आप केक में यूज करें, पेस्ट्री बनाएं, पुडिंग बनाएं, किसी भी तरह से यूज करें, ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ना, बिल्कुल क्रीमी